आखिरी के 10-12 दिन अब कैसे पढ़ाई करें। बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा है कि भाई पढ़ाई तो हुई नहीं जितना पढ़ना था, कर नहीं पाए। जो टारगेट्स बनाया था कि ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, टारगेट्स भी अचीव नहीं हुआ है। और रिवीजन करने के लिए टेबल पे एक बंडल्स ऑफ बुक एंड बंडल्स ऑफ मटेरियल रखा हुआ है। और इसके अलावा करंट अफेयर्स को लेके या बाकी चीज़ों को लेके, मैराथन रिवीजन सीरीज़ को लेके इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बंडल्स ऑफ मटेरियल है। फिर एक सवाल दिमाग में आता है कि करंट अफेयर्स को कैसे करें। जितना अभी तक किया है फिर उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि स्पीडी पढ़ा है, डुटेरिया पढ़ा है या कोई और मैगजीन पढ़ा है ना। ये सारी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में। तो आखिरी के 10-12 दिन जो अभी बचे हैं, आज से लेके अगले आने वाले 30 सितंबर तक, 29 सितंबर तक, तो 28 तक अगर हम मान लें तो हमारे पास 11 से 12 दिन हैं। इन 12 दिन में हमें क्या करना चाहिए, इस 12 दिन में किस तरह से अपने पढ़ाई को डायरेक्शन देना है ताकि इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, अपना एनजाइटी, अपना डर, अपना फियर सबको कम कर सकें। तो मेरे हिसाब से देखिए, मैं तो वैसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीक और ये सब चीज़ों को मानता नहीं कि कोई और आपको मोटिवेट कर सकता है। हाँ, जो चीज़ें हैं अगर उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, उनके बारे में थोड़ा सा अगर आपको एक 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 पर्सपेक्टिव आपका डेवलप हो जाए, तो मोटिवेशन तो खैर वो अंदर की चीज़ है। मोटिव फोर्स जो है वो हमेशा व्यक्ति के अंदर से आती है, तो वो अपने आप आ जाएगा। स्पार्क अपने आप जल जाता है, स्पार्क आपको देना होता है, मोटिवेशन अपने आप जल जाता है। कोई भी गाड़ी है कोई भी कार है, वो बाहर से धक्का देके नहीं चलती है, मोटिव फोर्स उसके अंदर इंजन से आता है ना। बाहर से बस एक बार चाबी लगाई जाती है, उसमें चाबी लगने के बाद वो स्पार्क, इंजन का जलना, सब कुछ अपने आप हो जाता है। हनुमान जी को जब समंदर पार करना था तो मोटिवेशन बाहर से नहीं मिल रहा था, मोटिवेशन अंदर से ही आता है। वो अपनी शक्ति भूल गए थे, बाहर से उनको स्पार्क दिया गया, उनकी चाबी घुमाई गई, उनको स्पार्क मिला, चीज़ें उनको समझ में आई कि हाँ यार, दिस इज़ डूएबल, इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तब उन्होंने इस बात को किया और समंदर पार किया उन्होंने, और फिर जो पूरी कहानी है। तो हम जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उस गेम को थोड़ा सा समझते हैं, अंडरस्टैंड द गेम ऑफ बीपीएससी या कोई भी सिविल सर्विसेज फॉर दैट मैटर, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीएससी हो, जो भी कोई भी स्टेट का सिविल सर्विसेज, कि सिविल सर्विसेज है क्या। सिविल सर्विसेज इज नॉट अ जॉब, सिविल सर्विसेज इज सर्विस, है ना। जॉब नहीं है ये सर्विस है, सेवा है, ठीक है। और सेवा का डिमांड क्या होता है, सेवा का बहुत सारा डिमांड है। अगर आप सेवा के बारे में आप पढ़ें या उस पर कोई ऐसे लिखा हुआ हो उसको पढ़ें, सेवा का क्या क्या है कि सेवा एक तो निस्वार्थ भाव से किया जाता है, सेवा हमेशा दूसरों के दुख से जुड़ के किया जाता है, कंपैशन होना चाहिए, ठीक है, सेल्फलेसनेस होना चाहिए। सेवा जब हम करते हैं तो हमारे मन में ये चाहत नहीं होनी चाहिए कि हमें कोई जाने, हमें कोई पहचाने, एनोनिमिटी, ठीक है। सेवा करते हैं तो सेवा करते समय डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है कि इसकी सेवा करेंगे और दूसरे व्यक्ति की सेवा नहीं करेंगे, अपने कम्युनिटी, अपने कास्ट, अपने रिलीजन वाले का सेवा करेंगे, बाकी का सेवा नहीं करेंगे। न्यूट्रैलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। सेवा का मतलब ये भी होता है कि आपके पास एक लोटा पानी है, अब इस एक लोटा पानी से 5 लोगों की प्यास बुझानी है तो आप कैसे बुझाओगे, किसकी प्यास पहले बुझाओगे, प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज में जाते हैं, बीपीएससी का जो नेचर ऑफ द सर्विस जो है उसको अगर देखें, या कोई भी सिविल सर्विसेज का, तो क्या है, आप कोई छोटे से छोटे पोस्ट पे, जब आप इनिशियल पोस्टिंग की भी अगर बात करें तो आपको मल्टीपल टास्क हैंडल करने हैं, ठीक है। आप कहीं पे भी हैं, आप ब्लॉक में सर्व कर रहे हैं, ठीक है, आप SDM हैं, आप DSP हैं, आपके पास मल्टीपल चीज़ें आएंगी। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड आएगा, कोई प्रोग्राम हो रहा है, पॉलिटिकल प्रोग्राम हो रहा है, उसको मैनेज करना है, फिर आपके सीनियर्स की मीटिंग होगी, फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का और ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, मतलब कि जो सर्विस वाले हैं, उनकी मीटिंग होगी, मतलब चीफ मिनिस्टर का मीटिंग हो गया, मिनिस्टर का मीटिंग हो गया, डिपार्टमेंटल मीटिंग हो गया, 50 तरह का फाइल्स आएगा, लैंड रिलेटेड फाइल आएगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ उसका फाइल आएगा, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रहा है उसका फाइल आएगा, कुछ नया आपको कोटेशन भेजना है, कुछ नई चीज़ें चाहिए डिपार्टमेंट को, उसका फाइल आएगा। सॉरी, तो इतना 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 मल्टीपल टास्क है, और ये टास्क जो है ना वो एक तरह का नहीं है, मतलब 360 डिग्री में घुमा हुआ है भाई, मतलब एक लैंड रिलेटेड है तो दूसरा भी CM से मीटिंग है ना। देखिए, दोनों का कोई रिलेशन है, यहाँ पे आपका टेम्परामेंट एकदम अलग है ना, अभी आप लोगों से डील कर रहे हैं, लोगों का सच झूठ ये समझ रहे हैं, और जब CM से मीटिंग है तो वहाँ वो आपसे हिसाब किताब लेंगे कि क्या चल रहा है आपके अथॉरिटी में, आपके डिपार्टमेंट में, ठीक है। कोई नई पॉलिसी आनी है, कोई नया पॉलिसी इंप्लीमेंट करना, तो उसके बारे में गाइडलाइन मिलेगा, तो यहाँ का माहौल एकदम अलग, यहाँ का माहौल एकदम अलग,
न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम पेपर में भी यही सेम चीज़ होता है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, और क्वेश्चन एकदम से जम कर जाता है, चेंज करता है और माहौल अलग हो जाता है। अभी तक तो खैर बीपीएससी जैसे देता है कि हिस्ट्री एक जगह दे दिया, साइंस एक जगह दे दिया और सब कुछ एक जगह दे दिया। अगर मान लीजिए कि इस बार के पेपर में ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन को जंबल कर दिया जाए कि पूरा मैथ का एक जगह ना हो, पूरा हिस्ट्री का एक जगह ना हो, पूरा ज्योग्राफी का एक जगह ना हो, सबको मिक्स किया हुआ है ना, तब आपको मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, चेंजिंग योर टेम्परामेंट, ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, तब आप उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्स क्रंच होता है कि काम बहुत सारा है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, काम बहुत सारा करना है। जैसे यहाँ पे मल्टीपल टास्क करना था तो मल्टीपल टास्क करने के लिए बहुत सारा रिसोर्स भी तो चाहिए ना, मतलब कि अगर मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, 150 क्वेश्चन है और बहुत अलग अलग डोमेन से आ रहे हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए अलग अलग मटेरियल चाहिए। बट रिसोर्स क्रंच है डिपार्टमेंट में, रिसोर्स क्रंच है, और इस क्रंच्ड रिसोर्स में आपको इफिशियंसी के साथ इफेक्टिवली काम करना है ताकि इतना काम हो जाए कि लगे कि गवर्नेंस गुड है, गुड गवर्नेंस है, इफेक्टिव गवर्नेंस है, इफिशियंट गवर्नेंस है। आप सारे काम को नहीं कर पाएंगे, एवरीथिंग विल नॉट बी डन बाई यू। ठीक है कि सड़क भी बन जाएगा, बिजली भी आ जाएगी, पानी भी आ जाएगी, सब चीज़ हो जाएगा, तो आपके पहले जो सिविल सर्वेंट थे अगर वो ये सब चीज़ कर चुके होते तो आपके लिए कुछ बचता ही नहीं। तो सब चीज़ आप नहीं कर सकते, सब आपके हाथ में नहीं है, आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल रिसोर्स क्या है और आपकी प्रायोरिटी क्या है, उसके बेसिस पे आपको काम करना। 100 काम थे उसमें से 70 काम होंगे, 30 नहीं रहेंगे, जो पीछे वाले बाद में आएंगे वो 30 काम को करेंगे, उनसे भी पूरा 30 नहीं होगा, प्लस नया काम ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से भी कुछ बचेगा, तो फिर उनके पीछे वाले आएंगे, वो गवर्नेंस करेंगे, वो चीज़ों को करेंगे। तो रिसोर्स क्रंच है, इतना पैसा है नहीं हमारे पास, इतना रिसोर्स है नहीं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, कि हम चीज़ों को हैंडल कर सकें। तो ये टेम्परामेंट, ये मेंटालिटी, ये एटीट्यूड चाहिए सिविल सर्वेंट में कि कम रिसोर्स में मल्टीपल टास्क को कर सके प्रायोरिटाइज करके एफिशिएंटली इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम भी तो वैसा ही है ना कि आपको 150 क्वेश्चंस आ गए, 150 क्वेश्चंस आपको करने हैं, लेकिन 150 क्वेश्चंस के लिए जो रिसोर्स है ना, अगर आप रिसोर्स को फैलाएंगे, रिसोर्स ज़्यादा करने के चक्कर में जाएंगे कि पहले रिसोर्स जमा करते हैं फिर 150 क्वेश्चंस को करेंगे, तो ये काम आपका कभी नहीं हो पाएगा। एक SDM या एक DSP पहले ये तय कर ले कि डिपार्टमेंट में 100 हवलदार होगा तब हम लोग रेड मारने जाएंगे, तो रेड कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि 100 हवलदार लाने के लिए आपको एग्ज़ाम, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सब कुछ पूरे प्रोसेस से जाना पड़ेगा, और रेड क्या करना है अभी 1-2 दिन के अंदर करना है। तो यू हैव टू मैनेज इन less resources. तो यू हैव टू मैनेज दीज 150 क्वेश्चन इन लेस रिसोर्सेज, जो आपने कम पढ़ा है ना उसी से मैनेज करना है, और बिलीव मी ये मैनेज होता है, और जो रिसोर्स फैलाने में लगे होते हैं उनके लिए अनमैनेजेबल हो जाता है, और उन्हें लगता है कि यार इतना मेहनत किए तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि रिसोर्स बहुत ज़्यादा फैल चुका है। ठीक है, तो टास्क भी मैनेज करना, रिसोर्स भी मैनेज करना, रिसोर्स पहले आप जमा कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, तब टास्क करने की तरफ आपका ध्यान है। तो अगर जिनको भी अभी लग रहा है ना कि पढ़ाई कम हुई है, कम पढ़ाई में, कम रिसोर्स में अब आप मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, बस आपको उस मेंटल एटीट्यूड में घुसना होगा, उस जोन में घुसना होगा कि हाँ भाई कम रिसोर्स में काम कर लेंगे। और कैसे होगा, तो प्रायोरिटाइज करना है कि 150 का 150 क्वेश्चन नहीं करना है, इसमें से मुझे 120 या 110 सवाल करने जो श्योर शॉट होना चाहिए। ठीक है, 130 सवाल करने जो श्योर शॉट होना चाहिए। श्योर शॉट कहने का मतलब कि इसमें लॉजिकल गेसिंग, आपको जो पहला पता है पहले राउंड में जो आपने किया वो किया, उसका सेकेंड राउंड में आप लॉजिकल गेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन का इसका पूरा डिटेल स्ट्रेटजी हमने शेयर किया हुआ अपने चैनल पे कि भाई पेपर को अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, उसको आप देखिए तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, और तब ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि प्रायोरिटाइज करना है। अगर पेपर आसान रहा तो ठीक है भाई, मुझे तो पता चल गया कि पेपर आसान है, तो 130 से 140 अटेम्प्ट कर लेंगे, 130 अटेम्प्ट कर लेंगे जितना भी हो। पेपर टफ रहा तो उसके हिसाब से नंबर कम कर लेंगे। प्रायोरिटाइज करेंगे कि भाई मेरा हिस्ट्री स्ट्रांग है या साइंस स्ट्रांग है, या फिर बिहार का हिस्ट्री स्ट्रांग है या करंट अफेयर्स स्ट्रांग है, जो प्रायोरिटी है उसके हिसाब से जाएंगे। रिवीजन करते समय प्रायोरिटी करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय हमने प्रायोरिटी कर लिया, रिवीजन करते समय हमें प्रायोरिटाइज करना है कि भाई किसको पहले रिवाइज करना है, कहाँ से आउटकम ज़्यादा मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ से ज़्यादा है। प्रायोरिटाइज करना है कि भाई सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले भाई स्कूल का व्यवस्था ठीक कर दीजिए ताकि बच्चा लोग जाके पढ़ सके, भविष्य ना खराब हो। दूसरा प्रायोरिटाइजेशन करना है कि बाढ़ वगैरह आ गया है तो सबको पहले घर में खाना पहुँच जाना चाहिए और दवाई पहुँच जाना चाहिए।
अदरवाइज लाइफ विल बी इन डेंजर, उसके बाद बाकी चीज चलता रहेगा। तो सिचुएशन के हिसाब से प्रायोरिटाइजेशन चेंज होता है, एग्जाम के हिसाब से, और एग्जाम से आप कितनी दूर हैं, कितने दिन दूर हैं, उसके हिसाब से प्रायोरिटाइजेशन चेंज होता है। आपको रिवाइज करना है दो चीज़ों पे फोकस करके, रिवीजन उस चीज़ का कीजिए जहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरा रिवीजन उस चीज़ का कीजिए जो आपका वीक है, जो जिससे आपको डर लगता है। तो थोड़ा सा आप उसको रिवाइज कीजिए, आपके मन से फियर कम हो जाएगा, डर कम हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ये नहीं कि अननेसेसरी पूरा दम कवर टू कवर पूरा रिवाइज करना, नहीं, अब उतना आप नहीं कर पाएंगे। मतलब जितना टाइम के हिसाब से आपको प्रायोरिटाइज करना है, प्लान बनाना है, हर दिन का प्लान बनाइए। और सिर्फ प्लान बनाना नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करना है। प्लान बहुत खूबसूरत खूबसूरत बनाए जा सकते हैं, बट प्लान वही खूबसूरत होता है जो एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूशन जहाँ है, दैट प्लान इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नो मैटर आपका प्लान कितना एवरेज था, बट अगर आपने एग्जीक्यूट किया तो वो बहुत फ्रूटफुल, बहुत खूबसूरत होगा। और प्लान बहुत खूबसूरत बना लिया, एग्जीक्यूशन नहीं है तो बेकार है। तो सर्विस में भी यही है, प्लान बहुत है कि जिले का डेवलपमेंट होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, सब कुछ हो जाना चाहिए, ठीक है, कम्युनल हारमोनी भी होना चाहिए, सबके पास पैसा भी होना चाहिए, सारा स्कीम का पैसा सबके पास पहुंच जाना चाहिए। प्लान तो बहुत खूबसूरत है, बट एग्जीक्यूट कर पाएंगे क्या? इतना रिसोर्स आपके पास है, इतना टाइम आपके पास है, इतना बड़ा टीम आपके पास है, इतना इतना आपको अथॉरिटी मिला है। तो सिर्फ प्लान खूबसूरत नहीं बनाना है, प्लान ऐसा बनाना है कि उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। तो अगले 10 दिन में हम जो भी प्लान बनाएंगे वो ऐसा प्लान बनाएंगे कि एग्जीक्यूट होता रहे। आप डेली प्लान बनाइए रिवीजन का, और मल्टीपल रिवीजन कीजिए, ठीक है, मल्टीपल रिवीजन। एक चीज़ को देखा उसमें अटकना नहीं है, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, मल्टीपल 3-4 बार अपने नज़र के सामने से उसको गुजारिए, ठीक है। तो जो सर्विस का जो नेचर है ना, उसी नेचर के हिसाब से हमारा एग्जाम पेपर आता है, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल टास्क हैंडल करना, रिसोर्स क्रंच है तो आपके पास भी मटेरियल पढ़ने के लिए उसका क्रंच है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा मटेरियल जमा करेंगे तो फिर आप डेंजर में हैं। तो आप कम मटेरियल पढ़ के, आपको एक किताब पढ़ के उससे मल्टीपल आउटपुट लाना है। प्रायोरिटाइज करते रहना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एग्जाम से 10 दिन पहले क्या पढ़ना है, जो प्लान बना रहे हो उसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना है। अगर ये सब चीज़ आप कर ले जाएंगे तो ये जो इधर जो पूरा हो रहा है ना कि पढ़ाई नहीं हो रही है, टारगेट अचीव नहीं हुआ और बहुत सारा रिवाइज करना या करंट अफेयर्स कहाँ से करें, इसका जवाब मिलेगा। पढ़ाई नहीं हुई है, किसी की नहीं हुई है, कितना पढ़ना था, कोई लिमिट नहीं है, कोई एंड नहीं है। अगर आपको आज से 30 सितंबर के जगह 30 अक्टूबर या 30 नवंबर को एग्ज़ाम कर दे और 60 दिन बढ़ा दिया जाए, आप पढ़ाई के उसी लेवल पर रहेंगे। हो सकता है कोई सब्जेक्ट आप ज़्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन जो आपने अभी ज़्यादा पढ़ा है ना, फिर वो भूल जाएंगे, वो आपका ड्यू टू लैक ऑफ रिविज़न कम हो जाएगा। तो इफेक्टिवली आप मोटा मोटी उसी पोजिशन पर रहेंगे। तो पढ़ाई नहीं हुई है ये नहीं सोचना है। अगर आपने सीरियसली तैयारी की है तो आपको पढ़ाई हुई है, आप भूल रहे हैं लेकिन वो एग्ज़ाम में याद आएगा। बस अभी आपको अभी से लेके एग्ज़ाम तक, आज से लेके एग्ज़ाम तक रिवीजन मोड में रहना है, ठीक है। आप रिवाइज करते रहें, अपने आप को एग्ज़ाम मोड में रखना है कि हाँ भाई कल मेरा एग्ज़ाम कोई ले ले तो हम देने को तैयार हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि 30 को एग्ज़ाम है, अब ये सोचते रहिए कि 18 को एग्ज़ाम है, 19 को एग्ज़ाम है, और उस माइंडसेट के साथ डेली आप काम कीजिए, उस माइंडसेट के साथ डेली सोइए, उस माइंडसेट के साथ डेली उठिए। टारगेट्स अचीव नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 100 चीज़ हम टारगेट बनाते हैं 70 ही अचीव होता है, तो 70 ही अचीव करेंगे, बट इसको अच्छे से करेंगे। तो 150 क्वेश्चन का, अगर 150 का आप 70% भी अचीव कर लेके जाते हैं तो 70% बहुत होता है। 105 कट ऑफ से आप 10 से 12 नंबर ऊपर है ना। तो टारगेट 70% भी अचीव हो गया, 80% भी अचीव हो गया ना, ये लेकिन कंक्लूसिव अचीवमेंट होना चाहिए, तो आप अचीव कर चुके हैं। बहुत सारा रिवाइज करना, तो रिवाइज करते हैं, जितना होगा जितनी बार होगा करते रहेंगे एग्जाम तक, हिम्मत नहीं हारना है। और करंट अफेयर्स कैसे करना, करंट अफेयर्स आपने जो किया है उसको रिवाइज कीजिए। एक दो चीज अगर आप नया ऐड कर सकते हैं, एक आध टॉपिक ऐड कर सकते हैं, एक आध दो घंटे का कोई वीडियो देखना है तो देखिए, अदरवाइज जो आपने किया उस पर भरोसा कीजिए और उस करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज कीजिए। अगर एक आध घंटे में कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई वाला कोई वीडियो बनता है तो उस वीडियो को देखिए, अदरवाइज जो 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे का वीडियो है उससे ज़्यादा बेटर है कि जो आपका स्टार्ट जो आपने जिस सोर्स को आपने फॉलो किया उसको फॉलो कीजिए और बार बार पढ़िए। और फोकस कीजिए एकदम क्रीम एरियाज पे कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री में बिहार का हिस्ट्री पढ़ना है, पर्सनालिटी से सवाल आता तो पर्सनालिटीज देखेंगे, उनका बुक्स देख लेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है वो सब देखेंगे, ठीक है।
फिर साइंस से सवाल आता है तो साइंस का सी जो एकदम एप्लीकेशन पे सवाल है वो सब पता होना चाहिए कि एसी कैसे काम करता है, इंडक्टर कैसे काम करता है, इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम वगैरह, ठीक है। तो एकदम जो फोकस एरिया है जहाँ से सवाल आते हैं, पीवाईक्यू अगर आपने एनालाइज किया होगा या पीवाईक्यू का वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि फोकस एरियाज पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि वहीं से आपको ज़्यादा रिटर्न आएगा। देखिए पूरा चीज़ अभी हम लोग आगे पैरेटो प्रिंसिपल जो बहुत फेमस है और यूट्यूब पे भी बहुत फेमस है उसके बारे में बात करेंगे कि भाई जो भी चीज़ है, ठीक है, ये पूरा मटेरियल आपको पढ़ना है, ठीक है, लेकिन आपको नंबर जो है ना 20% से 80% मार्क्स आएगा और जो 80% आप पढ़ते हैं उससे 20% क्वेश्चन आएगा। तो अभी के टाइम पे आपको ये 20% आपको फिल्टर आउट करना है कि वो 20% क्या है जिससे मुझे 80% रिजल्ट मिलने वाला है। अब वो एग्जैक्टली 20% नहीं होगा, वो 30 हो सकता है, बट मेजॉरिटी जो है ना उससे बहुत कम मार्क्स आएगा और माइनॉरिटी सेक्शन जो है उससे ज़्यादा आपको मार्क्स आने वाले हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको प्रायोरिटाइज करना है कि भाई वो 20-30% कौन सा एरिया है जिससे मुझे 80% मार्क्स आएंगे, 80% इफेक्टिविटी है उसका, 80% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये आपको करना है। जॉब का नेचर और सिविल सर्विसेज का नेचर थोड़ा बहुत हमने समझा और उसके हिसाब से जो चीज़ें हैं वो करनी है, ठीक है, अपना टेम्परामेंट उसी तरह से रखना है। आगे का क्या है, अपने आप पर विश्वास रखिए, ट्रस्ट योरसेल्फ, और अपने प्रिपरेशन पे, अगर आपने पढ़ाई की है तो आप अपने आप पे विश्वास रखिए। ऐसा नहीं सोचना कि अरे यार हमको कुछ याद नहीं रहता, आपको याद रहता है। आप क्यों अपने आप को बार बार ये बात बोल रहे हैं कि आपको याद नहीं रहता है, आपको याद रहता है। आप अपने आप को बार बार ये रिमाइंड कीजिए कि आपको याद रहता है, और अगर आपने ईमानदारी से पढ़ी है तो अपने आप को बोलिए कि यार ईमानदारी से मेहनत की है, और समय इतना खराब नहीं हो सकता कि ईमानदारी से किया गया मेहनत को एकदम डिस्कार्ड कर दे। तो हम जो याद किए एग्जाम में याद आएगा, अभी मेरा काम क्या है, रिवाइज करते हैं। अपने प्रिपरेशन पर ट्रस्ट कीजिए कि जो मेहनत आपने डाली है अपने प्रिपरेशन में, जो किताबों को आपने दिन रात पढ़ा है, आपने जो प्रैक्टिस की है, जो आपने मॉक पेपर लगाया, उस पर विश्वास कीजिए। ट्रस्ट जो है ना, मतलब ये इसमें इतना पावर है, इतना इमेंसली पावरफुल एलिमेंट है ये, कि एक बार अगर ये जनरेट हो गया ना आपको अपने आप पर, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सो जनरेट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, डू नॉट डाउट योर सेल्फ अनडाउटली अननेसेसरली। डाउट नहीं करना है अपने आप को लेके, क्रिटिकल हो सकते हैं आप, लेकिन अपने आप पर डाउट नहीं कीजिए। क्रिटिकल रहिए, कुछ गलती कीजिए, गलती को सुधारिए, अपने गलतियों से सीखिए, बट डोंट डाउट योर सेल्फ, नेवर डाउट योर पर्सनैलिटी, इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, ग्रो योर पर्सनैलिटी, ग्रूम योर पर्सनैलिटी, बट नेवर डाउट योर पर्सनैलिटी। ऑल आर एट सिमिलर पोजिशन, जितने भी लोग हैं सब लगभग सिमिलर पोजिशन पे हैं। जो भी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, जो भी 50,000-1,00,000 बच्चे, जो सीरियस बच्चे हैं, वो सिमिलर पोजीशन पे हैं। अब यहाँ जो 50,000-1,00,000 की जो भीड़ है सब सिमिलर पोजीशन पे हैं, कुछ को अगर छोड़ दीजिए 1,000-1,500 बच्चों को, ठीक है, तो सब सिमिलर पोजीशन पे हैं। अब इसमें से प्रीलिम्स क्वालिफाई कौन करेगा? प्रीलिम्स वो क्वालिफाई करेगा जो अपने आप को शांत रख पाएगा, जो वही चीज़ करेगा जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जो करना चाहिए, अननेसेसरी चीज़ों पे नहीं जाएगा, वो क्वालिफाई करके इधर आ जाएगा, बाकी इधर रह जाएंगे। नाउ यू हैव टू डिसाइड दैट यू वांट टू बी हेयर और हेयर। अगर आपको यहाँ से यहाँ आना है तो इसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करना होगा अगले 10-12 दिन। अपने आप पे ट्रस्ट करना होगा, आपको ये मानना होगा कि सब सिमिलर पोजिशन पर है, आपसे आगे कोई नहीं है, और तब आप पढ़ने बैठेंगे, रिवाइज करेंगे अपने मटेरियल्स को। और पढ़ने का तरीका क्या था भाई, प्रायोरिटी अपना सेट कर लीजिए कि किस 20-30% एरिया से 80% मार्क्स गेन करेंगे। प्रायोरिटी सेट कीजिए कि आपका कौन सा वीक एरिया था जिसका आपने छोटा छोटा एक एक पेज का नोट्स बनाया था, जो हमने स्ट्रेटजी वाले वीडियो में बात किया था, उसको रिवाइज कीजिए बार बार। आपको एटम नहीं याद रहता, आपको एंजाइम नहीं याद रहता, आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम की चीज़ें याद नहीं रहती है, ह्यूमन ऑर्गन नहीं याद रहता, उसका फंक्शन नहीं याद रहता है, सब 1-1.5 पेज का खेल है, उसको आप याद कर लीजिए। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री का अगर कोई पर्सनालिटी का नाम है आप भूल रहे हैं, उनका बुक भूल रहे हैं, तो उसको आप पढ़ लीजिए, उसको याद कर लीजिए। एकदम छोटी छोटी चीज़ों को बार बार कीजिए, उसको डेली शेड्यूल में, डेली रिचुअल में डालिए। 2 घंटा का आप अपना निकाल लीजिए कि इसी तरह से रैंडम पढ़ेंगे कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि प्रीएम्बल में क्या क्या वर्ड है, प्रीएम्बल में वर्ड कब ऐड हुआ था, नहीं हुआ था, इस तरह से जंप करके रिविजन करते जाना है। बुक के तरह खोल के नहीं बैठना है कि खोल के बैठे और अभी हिस्ट्री लेके बैठे कि हिस्ट्री रिवाइज करेंगे। तय कर लीजिए 2 घंटा हिस्ट्री रिवाइज करना, और 2 घंटे में आधा हिस्ट्री रिवाइज हो जाना चाहिए।
अगले दिन 2 घंटे में आधा से ज़्यादा रिवाइज होना चाहिए, उसके अगले दिन पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए और इसके लिए फास्ट होना पड़ेगा। तो जब अपने माइंड को आप फास्ट कर लेंगे ना रिवीजन करते समय, शुरू में पेन होगा बट 2-3 दिन में आपका दिमाग जो है अडाप्ट कर लेगा इस चीज़ को और फटाफट चीज़ों को ग्रास्प करना शुरू करेगा। और एग्जाम में यही तो होता है ना, एग्जाम में आराम से थोड़े क्वेश्चन बना सकते हैं 120 मिनट में, जिसमें कि 110 मिनट मिलेगा, उसमें 150 क्वेश्चन पढ़ना तो है ही, छोड़ना है उसमें से 20 क्वेश्चन, लेकिन पढ़ना तो 150 क्वेश्चन पड़ेगा, तो मिनट से भी कम टाइम है आपके पास, तो आपके दिमाग को फास्ट होना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यू नीड टू डू दिस प्रैक्टिस, कि रिवाइज कीजिए, 2 घंटे का स्लॉट बनाइए, फटाफट भी पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे, या 1 घंटे का आप अपने सहूलियत के हिसाब से बनाइए। ये 4 साल का PYQ एकदम मस्ट है, देखना 66, 67, 67, 68, 68 का जो 2 बार एग्जाम हुआ है। आप चाहें तो इन पहले प्रायोरिटी आपका ये तीनों होना चाहिए और उसके बाद 66 भी होना चाहिए। ये 4 PYQ आपको पता होना ही होना चाहिए, आपका माइंडसेट इसी से डेवलप होगा। ये 4 साल का PYQ, 4 बार का PYQ, और एग्जाम से 4 दिन पहले हर दिन सुबह में बैठ के 2 घंटे इसको सॉल्व करना है, 4 दिन सॉल्व करना है इसको, 27, 28, 29, 26, 27, 28, 29 या 25 से कीजिए तो 28 तक कर लीजिए, 25, 26, 27, 28, 29 को अगर ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं तो 25 से लेके 28 तक ये 4 पेपर सॉल्व करने हैं। और मार्क्स नहीं देखना है, बस पेपर सॉल्व करना है, मार्क्स नहीं कैलकुलेट करना है, पेपर सॉल्व करना है ताकि आपका टेम्परामेंट, आपका माइंडसेट एकदम एग्जाम के जैसा हो जाए। और पेपर सॉल्व करना आपको वही 12 से 2 के बीच में, ठीक है, और 11 बजे से अपने आप को बिठा देना है कहीं पे, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको 11 से 12 बैठना पड़ेगा। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन इसका आदत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आदत नहीं है ना तो उस 1 घंटे में हो सकता है कि आप पैनिक कर जाएं, उस 1 घंटे में परेशान हो जाए। तो ये 3 घंटे का स्लॉट रखें, 1 घंटे आप बैठें पढ़ें, लेकिन बैठे कहीं पर एक जगह बैठ के 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, ये आदत आप बना लें बैठने की, ठीक है। और ट्री में जो पेपर आया था उसको सेलेक्टिवली देखे, पेपर को पलटे, PDF डाउनलोड कीजिए और पेपर को पलटिए कि किस तरह से सवाल पूछा गया था, ठीक है, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि बहुत ज़्यादा रटने से भी सवाल नहीं होने वाला है। रटने से सवाल नहीं बनता है, रटने का मतलब क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प कर लेना, ठीक है, लेकिन सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन पर नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे निचले तबके का चीज़ है, इन्फॉर्मेशन जब ढेर सारा जोड़ देते हैं तो वो क्या बनता है, डेटा को बहुत ज़्यादा रटने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारा डेटा को अगर आप जोड़ दें तो वो इन्फॉर्मेशन बनता है, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन को जोड़ दें तो नॉलेज बनता है, और नॉलेज को जब यूज़ करने लगे तो विजडम बनता है। और BPSC आपको नॉलेज और विजडम के लेवल पे चेक करेगी, इन्फॉर्मेशन और डेटा के लेवल पे नहीं। तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन डेटा जो आपके पास है उसको जोड़ के आप नॉलेज और विजडम डेवलप कर सकते हैं, मतलब इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माइंडसेट को एकदम बना लेना है कि निष्काम कर, रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, नहीं होगा तो देखा जाएगा, अभी कैसे पता आपको कि नहीं होगा। और वैसे भी जो लोग भी क्रिकेट फॉलो करते हैं उनके तो फेवरेट है भाई महेंद्र सिंह धोनी, प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट, व्हाई, बिकॉज रिजल्ट इज बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस, बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो रिजल्ट आना ही आना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो फोकस ऑन द प्रोसेस, तो अगले 10 दिन कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है उस पर फोकस करना, अपने माइंडसेट को एकदम निष्काम कर्मा, आपको फल की चिंता ही नहीं करनी है, गीता का श्लोक है, गीता का कीवर्ड है निष्काम कर्मा, निष्काम कर्म कीजिए, कोई भाव नहीं मन में कि भाई कि रिजल्ट क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मान लीजिए कि आप किसी और के लिए पढ़ रहे हैं, आप है ही नहीं, 10 दिन के लिए अपने आप को भूल जाइए, बस योगी की तरह पढ़ाई कीजिए, कॉन्फिडेंस कि भाई हम एग्जाम हॉल में पेपर को हैंडल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। कितना सारा क्रिकेट मैच हमने देखा था जिसमें कि चेज किया गया है और बहुत खतरनाक चेज किया गया है, मतलब 70 रन चाहिए और 40 बॉल है, 70 रन चाहिए 30 बॉल है, कैसे चेज हुआ है, टेम्परामेंट से। अगर यहां पर घबरा जाता क्रिकेटर कि नहीं हो पाएगा तो चेज नहीं हो पाता, बट इसलिए चेंज हो पाया कि टेम्परामेंट था कि ठीक है 40 बॉल में 70 रन चाहिए ना, 30 बॉल का तो डिफरेंस है, लास्ट में जाके पाट लेंगे इसको। सेल्फ कॉन्फिडेंस कि ठीक है हैंडल कर लेंगे क्वेश्चन पेपर एग्जाम में, ठीक है। और कुछ लोग के साथ ये होता होगा कि भाई अगल बगल वाले, और बहुत लोग बोलते हैं कि इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, 5 बार से एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो हो नहीं रहा है, कुछ और क्यों नहीं करते हो। ये देखिए चाइनीज बैम्बू ट्री है, इतना लंबा लंबा बांस आपने नहीं देखा होगा, इतना मोटा इतना लंबा है ना। ये देखिए 2 लोग यहाँ से जा रहे हैं, बसवाड़ी है वहाँ का, कितना लंबा लंबा है। चाइनीज बैम्बू ट्री का कहानी क्या है,
चाइनीज बैम्बू ट्री का कहानी ये है, और इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसका जब बीज जमीन में डाला जाता है ना, 5 साल तक वो बीज जमीन से बाहर आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। उसको खाद पानी सब कुछ चाहिए, डेली चाहिए। अगर 1-2 दिन 4 दिन आप मिस कर गए तो फिर वो खराब हो जाएगा, फिर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप दे भी रहे हैं तो भी नहीं आ रहा, 5 साल तक नहीं आएगा, आपको वेट करना। और अगल बगल वाले आप पे हंसेंगे कि क्या कर रहे हो, तो आप बोलेगा चाइनीज बैम्बू ट्री उगा रहे हैं। बोला अच्छा, 2 साल से तो कुछ होगा नहीं, 3 साल से तो कुछ होगा नहीं, 4 साल से तो कुछ होगा नहीं, 5वें साल भी कुछ होगा नहीं। लेकिन 5वें साल जैसे ही ये धरती का सीना फाड़ के बाहर निकलता है ना, टेक 5 ईयर्स टू ग्रो, लेकिन जैसे ही निकलता है 5 वीक में 90 फीट लंबा हो जाता है, 90 फीट लंबा हो जाता है 5 सप्ताह में, 5 वीक में 5 सप्ताह, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कुछ इसी तरह से है दोस्त, कि सालों साल आप पढ़ाई करते हैं, गलती करते हैं, सीखते हैं, सब कुछ करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, डीमोटिवेट होते हैं, एंजाइटी फियर सब कुछ होता है, लेकिन जब फाड़ के आप निकलिएगा तो 5 सप्ताह में 90 फीट लंबा हो जाइएगा। बिकॉज वी आर वंशज ऑफ चाइनीज बैम्बू ट्री। और यही तो है ना पैरेटो प्रिंसिपल, कि 80% मेहनत कर रहे थे, कुछ निकल नहीं रहा था, लेकिन लास्ट का 5वां साल का 20% मेहनत और चाइनीज बैम्बू ट्री ग्रो कर गया। आपने अभी तक क्या पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लास्ट के 10-20 दिन में क्या करते हैं वो आपके 80% रिजल्ट को इम्पैक्ट करेगा। पैरेटो प्रिंसिपल दिया गया था जोसेफ एम जुरान के द्वारा, अमेरिकन आप मैनेजमेंट गुरु इनको बोल सकते हैं, और विल्फ्रेड पैरेटो जो थे जिनके नाम पे ये पैरेटो प्रिंसिपल है, तो इन्होंने पहली बार स्टडी किया था, और इटली में स्टडी किया कि 80% लैंड जो है वो मात्र 20% लोग के पास है, और 20% लोग जो है वो 80% लैंड जो है वो 20% लोग के पास है, और 20% लैंड पे 80% लोग गुजारा कर रहे हैं। और ये पूरे दुनिया का हाल है। देखिए आजकल हम लोग यही ऑक्सफैम का रिपोर्ट जब पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि भाई 10% वेल्थ जो है दुनिया का, 70% वेल्थ जो है वो 10% लोगों के पास है, और बॉटम 50% जो है वो 10% पे जी रहा है। तो हर जगह यही है कि 20% जो आप मेहनत अंत का करते हैं ना, अंत को जब आप भला करते हैं ना, वही आपको 80% रिजल्ट देता है। एंड दिस 10 डेज, ये जो आने वाले 10 दिन है, दिस 10 डेज विल डिसाइड दैट आपका इफेक्टिविटी कितना होता है। ये आखिरी का जो 5वां साल था उसने डिसाइड किया कि ये चाइनीज बैम्बू ट्री ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई मायने मतलब नहीं है, सिर्फ 20 कीजिए, ये 20 करने के लिए 80 करना पड़ता है, ये 80 फाउंडेशन है, और इसके ऊपर ये 20 हो पाता है। आप समझिए कि पूरा केक बन गया है और उसके ऊपर ये गार्निशिंग हो रहा है, और गार्निशिंग के वजह से ही वो अट्रैक्टिव होता है, लोग पैसा देने के लिए तैयार होते हैं, अदरवाइज नहीं देंगे। कोई घर हम बनाते हैं तो पूरा घर बना के खड़ा कर देते हैं, लेकिन उसका कीमत अभी उतना नहीं है, लेकिन उसको जब पेंट वेंट करके पूरा फिनिश कर देते हैं 20% एफर्ट लगता है, 20% कॉस्ट लगता है, बट उसके बाद उसका दाम असली निकल के आता है। तो ये जो आखिरी का 10 दिन है ना, वही आपका 20% है पैरेटो वाला, और वही आपको 80% इफेक्टिविटी लेके आएगा। और तभी तो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, अंत क्यों, अंत में 20% 10% ही तो काम कर पाएंगे ना, और ये 20% ठीक से हो गया तो सब भला हो जाएगा, 80% आउटकम यहां से आने वाला है। सो आई होप कि मुझे जो कहना था, जो मैं कहना चाहता था, शायद आप लोग समझे होंगे। और अगले 10 दिन एकदम सब चीज़ को भूल जाइए। सब चीज़ को भूलने का मतलब है कि खाना खाइए, सोइए, उठिए, रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए, पढ़िए, अपने प्रायोरिटी सेट कीजिए, अपने मेंटल एटीट्यूड पे काम कीजिए, अपने को एग्ज़ाम जोन में रखिए, अननेसेसरी प्रेशर नहीं लीजिए, नेगेटिव लोगों से बात नहीं कीजिए, कोई नेगेटिव वीडियो नहीं देखिए, कोई आप पे ताना कसता हो, टॉन्ट करता हो, सुनना ही नहीं है, कान बंद कर लेना है। क्योंकि बैम्बू ट्री पे भी बहुत लोगों ने ताना कसा था, महेंद्र सिंह धोनी पे बहुत लोगों ने ताना कसा था, दुनिया में हर इंसान जो महान काम करता है, जो बड़ा काम करता है, उस पे ताना कसा जाता है, और हम लोग तो फिर भी बहुत छोटा काम कर रहे हैं। तो आई होप कि यू गाइज हैव गॉट माई पॉइंट। तो पढ़िए, मेहनत कीजिए, और फिर मिलते हैं 30 तारीख के बाद, पेपर एनालाइज करेंगे, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच।